हेलो इंडस्ट्री पीपल, वेलकम टू शुभा इंडस्ट्री गेमिंग। सो हमारा चैप्टर 4 आ चुका है स्कारफॉल का, और अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है गेम को तो जल्दी से जाके अपडेट कर लो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे न्यू मिशंस आ रखे हैं चैप्टर 4 में, उसको कंप्लीट कैसे करना है और रिवार्ड्स कैसे लेना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो चलेगी तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना यार, ताकि फ्यूचर वीडियोस को मिस न कर पाओ। शुगर विद, चलो फिर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हियर वी गो। फैंटास्टिक पीपल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे मिशंस हैं सारे के सारे मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, मतलब हर एक मिशन को बताऊंगा, ताकि आपको किसी भी मिशन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे कंप्लीट करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो चलते हैं मिशंस में और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट मिशन से, जो कि है हमारा स्कार मास्टर। तो पहला जो मिशन है वो है प्ले मैचेस इन टीडीएम मोड। सो इसमें हमें से प्ले मैच करना है, मैच को प्ले करना है, बस खेलना, मतलब गेम प्ले। इसमें विन करने की जरूरत नहीं है, विन नहीं भी करोगे तब भी आपके पॉइंट्स होते रहेंगे और आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। सेकंड है लैंड एट सेरुलर जेर अंडमान मैप क्लासिक मोड। सो क्लासिक मोड में आपको अंडमान मैप में लैंड करना है, वो भी सेलुलर जेल पे। 10 बार करोगे तो आपको 25 गोल्ड कॉइंस मिलेंगे। फिर नेक्स्ट मिशन है लैंड एट रिसोर्ट अंडमान मैप इन क्लासिक मोड। सो ये भी अंडमान मैप का ही है, इसमें हमें रिसोर्ट में लैंड करना है। 15 बार करेंगे तो हमें एक रेड कार्ड मिलेगा। फिर नेक्स्ट है लैंड एट कॉलेज अंडमान मैप, ये भी अंडमान मैप का ही है। और जब हम 12 बार लैंड करेंगे कॉलेज में तो हमें एक हैट मिलेगी, जो कि कुछ इस तरह की है, जैसे आप देख सकते हो इस टाइप की हैट मिलेगी। सो नेक्स्ट जो मिशन है वो है प्ले मैचेस इन क्लासिक मोड। सो हमें क्लासिक मोड में मैच खेलने हैं, 20 मैचेस खेलने हैं, और जैसे 20 मैच कंप्लीट हो जाएगा अगर हमने खेल लिए तो हमें ये वाला पैराशूट का स्किन मिलेगा, जो देखने में बढ़िया लग रहा था। सो नेक्स्ट जो मिशन है वो है लैंड एट होटल शिमला आइसलैंड मैप। सो इसमें हम अगर 10 बार लैंड करेंगे होटल शिमला में तो हमें 25 गोल्ड कॉइंस मिलेंगे। नेक्स्ट मिशन है लैंड एट वेस्टलैंड, ये भी आइसलैंड मैप का है, और इसमें अगर हम 12 बार लैंड करते हैं वेस्टलैंड में तो हमें एक रैंड कार्ड मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट है लैंड एट रिवर विंड कॉलोनी करके, ये भी आइसलैंड मैप में ही है, और हम अगर इसमें 8 बार लैंड करेंगे तो हमें ये वाली स्टिकर मिलेगा। और लास्ट है प्ले मैचेस इन सर्वाइवल मोड, इसमें हमें 20 मैच प्ले करने हैं सर्वाइवल मोड में, और तब जाके हमें ये वाली जैकेट मिलेगी। सो अब चलते हैं अपने सेकंड मिशन की तरफ, जो कि है सर्वाइवर। इसमें सिर्फ 3 मिशन हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। सो उसमें से जो पहला मिशन है वो है प्ले टाइम इन एनी मोड मिनट्स। सो मतलब हमें किसी भी मोड में खेलना है, इस टाइम हमें मिनट्स के हिसाब से खेलना है। 50 मिनट्स खेला तो मेरे को ये एक रैंड कार्ड मिल गया, 700 मिनट्स खेलेंगे तो ये बैकपैक मिलेगा, और अगर 1800 मिनट्स खेलेंगे किसी भी मोड में तो हमें ये वाला कैरेक्टर मिलेगा, जो कि ये है हमारा विश्वनाथ जी वाला, तो देखने में बढ़िया लग रहा है वैसे। सो नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो है रिमेन एट सेलुलर जेल अंडमान इन क्लासिक मोड मिनट्स। सो ये भी मिनट्स वाला ही है और अंडमान मैप का ही है। तो इसमें हमें सेलुलर जेल जो है वहाँ पे रहना है 50 मिनट तक, और जैसे हम 50 मिनट तक वहाँ रुकेंगे तो हमें ये वाला रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि एक स्टिकर है। और अब चलते हैं अपने थर्ड वाले पे, जो कि सर्वाइव इन सर्वाइवल मोड है। नाइस, सर्वाइवल मोड में हमें मतलब सर्वाइव करना है, और अगर हम 12 बार सर्वाइव कर जाते हैं सर्वाइवल मोड में, दैट इज़ हमारा आइसलैंड मैप हुआ, तो उसमें हमें ये सनग्लासेस मिलेंगे। सो अब चलते हैं अपने थर्ड मिशन की तरफ, जो कि है वैंडलाइजर। सो इसमें पहला मिशन जो है वो है फिनिश एनिमीज विद फिस्ट इन टीडीएम मोड। सो ये अभी तक नहीं आया था बट अब आ चुका है। सो मैंने बहुत सारे बंदे देखे जो अपने फिस्ट से मतलब मुक्के मार के बंदों को निपटाते हैं टीडीएम में भी। सो अब यही एक मिशन है कि आपको टीडीएम में 50 बंदों को निपटाना है अपने मुक्के से, और तब आपको एक रैंड कार्ड मिलेगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट मिशन की तरफ, जो कि है डील डैमेज इन टीडीएम मोड। सो हमें मतलब इतना डैमेज स्कोर करना है या डैमेज को डील करना है टीडीएम मोड में, तो हमें ये वाली गन की स्किन मिलेगी, जो देखने में भी बढ़िया लग रही है। सो जो हमारा थर्ड मिशन है वो है डील डैमेज इन क्लासिक मोड। सो अब क्लासिक मोड में हमें डैमेज को डील करना है, जो कि है इतना, जैसा आप देख सकते हो।
और उसको हम डील कर लेंगे तो हमें ये वाला कैरेक्टर मिलेगा, मतलब आउटफिट मिलेगा, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है और नाम भी दे रखा है इसको सेलिना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले मिशन पे, जो कि हमारा रिकवर हेल्थ इन क्लासिक मोड। सो हमें रिकवर करने हैं हेल्थ को अपने क्लासिक मोड में 1500 बार, तब जाके मुझे एक रैंक कार्ड मिलेगा। फिर नेक्स्ट है अर्न फर्स्ट ब्लड बैजेस इन क्लासिक मोड, जो हमारा फर्स्ट ब्लड करके बैज आता है एक, वो मिलेगा। तो हमें ये वाले गन की जो है स्किन मिलेगी, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। और नीचे आप देखो जहाँ पे मैगजीन लगती है वहाँ पे एनिमेशन डाल रखा है इन्होंने। और अब चलते अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ, जो कि है ओपन एयर ड्रॉप इन सर्वाइवल मोड। सो हमें 20 एयर ड्रॉप को ओपन करना है सर्वाइवल, दैट इज हमारा आइसलैंड मैप में। तो हमें 25 गोल्ड पॉइंट्स मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है अर्न सर्वाइवल बैजेस इन सर्वाइवल मोड। सो हमें सर्वाइवर का बैज लेना है सर्वाइवल मोड में, जो कि हमारा आइसलैंड मैप है अगेन। तो उसमें 25 जब हम बैचेस ले लेंगे सर्वाइवर का, तो हमें एक रैंक कार्ड मिलेगा। लास्ट है डील डैमेज इन सर्वाइवल मोड। सो हमें मतलब इतने डैमेज को डील करना है सर्वाइवल मोड, दैट इज हमारा अगेन आइसलैंड मैप। तो हमें ये वाले गन की स्किन मिलेगी, जो कि मुझे स्नाइपर लग रही है कोई, और इसको नाम दे रखा नाइटमेयर। सो जो हमारा नेक्स्ट है वो है गन एंड गट्स का। सो इसमें जो पहली मिशन है वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि था फिनिश 4 एनिमीज विद 60 seconds ऑफ लैंडिंग इन सिंगल क्लासिक मैच। सो मतलब इसका मतलब था कि ये तो खैर आप में से बहुत लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा, कि हमें चार बंदों को निपटाना है 60 सेकंड के अंदर जब हम क्लासिक मोड में लैंड करते हैं। ये वाला पेंट हमें मिलता है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है फिनिश एनिमीज विद शॉटगन इन क्लासिक मोड। सो हम अगर 60 एनिमीज को मतलब 6 बंदों को निपटाते हैं शॉटगन का यूज़ करके, तो हमें ये वाली मिनी गन की स्किन मिलती है। सो हमारा जो थर्ड मिशन है वो है फिनिश एनिमीज विद एक्सप्लोजिव इन क्लासिक मोड। सो मतलब कि क्लासिक मोड में अगर हम बंदों को निपटाते हैं एक्सप्लोजिव का यूज़ करके, मतलब 50 बंदों को निपटाते हैं या 50 एक्सप्लोजिव्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा नेड, साउंड वेव बॉम्ब और शायद फ्लैश बॉम्ब भी आएगा, उसका यूज़ करके अगर हम निपटाते हैं 50 बंदों को, तो हमें ये वाला पेंट ब्रश मिलेगा। फिर आता है फिनिश एनिमीज विद AR एट सेलुलर जेल अंडमान मैप इन क्लासिक मोड। सो मतलब अगर हम 40 बंदों को निपटाते हैं AR का यूज़ करके सेलुलर जेल में, तो हमें ये वाले शॉटगन की जो स्किन है वो मिलेगी, जो कि देखने में बढ़िया लग रही है भाई, सच में मस्त लग रही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं फिनिश एनिमीज विद AR एट स्कूल, मतलब ये आ गया आइसलैंड मैप का, कि अगर हम एनिमीज को कितने 50 एनिमीज को AR से हमारी असॉल्ट राइफल से निपटाएंगे स्कूल में, तो हमें ये वाला पैराशूट मिलेगा, पैराशूट का स्किन मिलेगा, मतलब जो भी देखने में ठीक ही लग रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय व्हीकल्स इन सर्वाइवल मोड, जो कि हमारा आइसलैंड मैप हुआ। सो अगर हम 100 गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे सर्वाइवल मोड दैट इज आइसलैंड मैप में, तो हमें ये वाली स्किन मिलेगी गाड़ी की, जो कि देखने में बढ़िया लग रही है, देख सकते हो आप। फिर नेक्स्ट जो है वो है फिनिश एनिमीज विद SMG एट पावर प्लांट, ये भी आइसलैंड मैप का है, और इसमें हमें 30 बंदों को निपटाना है पावर प्लांट में SMG का यूज़ करके, तो हमें ये वाले गन की स्किन मिलेगी, जिसका नाम दे रखा है मदर ऑफ पर्ल। सो अब जो हमारा लास्ट मिशन है गन एंड गट्स का, वह है फिनिश एनिमीज विद स्नाइपर इन एनी मोड। किसी भी मोड में हमें स्नाइपर का यूज़ करके 350 बंदों को निपटाना है, तो हमें ये DJ डेथ बॉक्स मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पे, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। सो अब चलते अपने नेक्स्ट मिशन की तरफ, जो कि है शार्प शूटर। इसमें 3 मिशन हैं, जिसमें से पहला मिशन है यूज इमोट्स इन एनी मोड। सो हमें 60 इमोट्स को यूज़ करना है किसी भी मोड में, 60 इमोट्स मतलब एक ही इमोट को हम 60 बार यूज़ कर सकते हैं किसी भी मोड में, तो हमें ये वाला डांसिंग इमोट मिलेगा, जो कि भाई देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। सो अब नेक्स्ट जो हमारा मिशन है वो है ड्राइव व्हीकल इन सर्वाइवल मोड। सो इसमें हमें क्या है, सर्वाइवल मोड मतलब आइसलैंड मैप, और इसमें अगर हम इतना मीटर तक जो हमारी व्हीकल है उसको ड्राइव करते हैं, तो हमें ये वाली स्नो मोबाइल की स्किन मिलेगी, जो कि देखने में बढ़िया लग रही है, पहली बार आई है वैसे स्नो मोबाइल की स्किन हमारे गेम में। सो अब चलते हैं लास्ट पे, जो कि है फिनिश एनिमीज विथ फ्रैग ग्रेनेड इन एनी मोड। सो अगर हम 80 फ्रैग ग्रेनेड का यूज़ करके बंदों को निपटाते हैं किसी गेम में, तो हमें ये वाला डेथ बॉक्स देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सैटेलाइट डेथ बॉक्स, वो देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं एसेसिनेटर की तरफ, जिसमें अगेन 3 मिशन है सिर्फ। उसमें से पहला मिशन जो है वो है प्ले 1 TDM मोड ऑन 15 यूनिक डेज। सो मतलब इसका ये है कि हमें हर दिन एक TDM मोड खेलना ही है,
15 दिन लगातार, मतलब 15 डेज तक कंटिन्यूस हमें एक टीडीएम मोड खेलना है या एक टीडीएम का गेम खेलना है, तब जाके हमें ये वाला ट्राउजर या जिस पैंट है वो मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पे। फिर आए नेक्स्ट प्ले वन क्लासिक मोड ऑन 15 यूनिक डेज, ये भी अगेन वही है कि हमें एक क्लासिक मोड खेलना है लगातार 15 दिन तक, तो हमें ये वाला आउटफिट मिलेगा जिसका नाम है एलेक्जर, ये भी ठीक लग रहा है देखने में। सो एसेसिनेटे का जो लास्ट मिशन है वो है प्ले वन सर्वाइवल मोड ऑन 15 यूनिक डेज। अगेन सर्वाइवल मोड में मतलब जो कि हमारा आइसलैंड मैप है उसमें हमें एक गेम खेलना है हर 15 मतलब लगातार 15 दिन तक, तो हमें ये वाला स्किन मिलेगी जिसका नाम है नोवा मैन, जो कि देखने में बढ़िया लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, और इसके जो ग्लासेस हैं उसमें भी एनिमेशन दे रखी है। सो अब चलते अपने लास्ट मिशन की तरफ जो कि है सुपर डुपर रॉक एंड रोल, जिसमें से पहला मिशन है विंस इन टीडीएम मोड। सो अगर हम 90 विंस करने हमें टीडीएम मोड में तो हमें ये वाला ट्राउजर या पैंट मिलेगा। सो जो हमारा सेकंड मिशन है वो है विन 20 टीडीएम मोड विद 10 शॉटगन फिनिशेस इन ईच मैच। सो इसका मतलब ये है कि हमें एक तो 20 टीडीएम मैचेस जीतने हैं और जिसमें हमें शॉटगन का यूज करना है और 10 बंदों को निपटाना है, 10 फिनिशेस चाहिए हर एक मैच में, मतलब एक मैच खेला टीडीएम तो उसमें हमें वो तो जीतना ही जीतना है, साथ ही उसमें शॉटगन का यूज करके 10 बंदों को निपटाना है, ऐसे करके 20 बार करना है। तो जब हम 20 बार कंप्लीट कर देंगे तो हमें ये वाला इमोट मिलेगा। सो हमारा थर्ड जो मिशन है वो है विन 3 क्लासिक मोड विथ 15 एक्सप्लोजिव फिनिशेस इन ईच मैच। मतलब पहले तो हमें 3 जो हमारा क्लासिक मोड है जो कि हमारा अंडमान मैप है वो जीतने हैं, वो भी कैसे 15 एक्सप्लोजिव फिनिश के साथ, मतलब हमें 15 बार एक्सप्लोजिव फेंकने, जो हमारा नेट वगैरह हो गया इनको फेंकना और उससे किल लेने हैं 15 बार 3 मैच में, हर एक मैच में, मतलब अगर हमने 3 बार खेला तो 3 बार हमें 15 बार तो हमें एक्सप्लोजिव फेंकने और बंदों को निपटाना है, तब जाके हमें ये वाली शर्ट मिलेगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने मिशन की तरफ जो कि है विन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड विद 0 फिनिश। सो इसमें क्या करना है, इसमें हमें 5 मैचेस तो जीतने हैं क्लासिक मोड में लेकिन हमें कोई फिनिश नहीं करना, मतलब हमें कोई किल नहीं करना है, बिना किल किए हमें 5 मैचेस जीतने हैं हमारे अंडमान मैप में, तो हमें ये वाले शूज मिलेंगे। सो हमारा जो सेकंड लास्ट मिशन है वो है विंस इन क्लासिक मोड। सो हमें 15 विंस करने हैं क्लासिक मोड में, तब जाके हमारे क्लासिक मोड मतलब अंडमान मैप में, तब हमें ये वाला आउटफिट मिलेगा। तो जो हमारा लास्ट मिशन है वो है विंस इन सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड मतलब हमारा आइसलैंड मैप, उसमें हमें कितने 10 टोटल 10 विंस करनी है, लेकिन उसमें से अगर हम 3 विंस करते हैं तो हमें ये वाला मास्क मिलेगा एक, फिर जब हम 4 विन करेंगे तो हमें ये बैकपैक मिलेगा, और आखिरी में जब हम 10 विंस कर देंगे तो हमें ये वाला जीन्स पैंट मिलेगा जो देखने में बढ़िया लग रहा है, और नी पैड भी लगा हुआ इसमें। आई होप आप लोगों को वीडियो चली होगी, और आप लोगों के जो क्वेरीज थे चैप्टर 4 के मिशंस को कैसे कंप्लीट करना है उससे रिगार्डिंग वो सॉल्व हो गई होगी, और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है कुछ तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे इंस्टाग्राम में DM करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करके बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। और बस वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना यार, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।